बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चिकन राइस बनाएंगे, जिसके लिए हमने आधा किलो चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से धो लिया है हमने। अब इसमें हम सबसे पहले अदरक लहसुन डालेंगे, आधा चम्मच इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे हम नमक, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे इसमें 1 से 2 चम्मच, और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 चम्मच, और चिकन कंटकी मसाला डालेंगे इसमें हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ से मिक्स करेंगे। हमारे हाथ में एक हाथ में कैमरा है, इसलिए हम चमचे से मिक्स कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है चिकन में। अब इसको 10 से 15 मिनट के लिए रहने देंगे, ताकि इसमें अच्छे से मसाला अंदर तक पहुंच जाए चिकन में, और नमक भी। लंबे चावल लिए हमने, इसको हम 1/2 घंटा भिगो के रखेंगे, और फिर इसको उबालने के लिए डालेंगे। 1/2 घंटा हो चुका है चावलों को भिगा कर। अब इसको हम धोकर पानी में डालेंगे। पानी उबलने के लिए रख दिया था हमने आधा भगोना पानी रख दिया था हमने उबलने के लिए। उसको अच्छे से उबाल आने लगा है। इसमें हम चावल धोकर डाल देंगे। चावल डाल देंगे अब पानी में, फिर जोश आ रहा है। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। इसमें चावल डाल दिए हमने, इसमें हम अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि हम चावल का पानी निकालने वाले हैं, और इसको अच्छे से उबलने देंगे। एक तरफ हमने चावल उबलने के लिए रख दिया है, अब दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल रख दिया था हमने गरम के लिए। तेल अच्छे से गरम हो गया है। इसमें हम चिकन फ्राई करके निकालेंगे। अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे इसको हम। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हमारे हमेशा आते रहते हैं। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और फीडबैक भी दें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एक एक करके सब पीसेस इसमें हम डाल देंगे। एक साइड से चिकन हमारा अच्छे से हो गया है। अब इसको पलट लेंगे, अलग पलट करके इसको अच्छे से फ्राई करके लेंगे। बारी बारी करके हमने पूरा चिकन फ्राई करके ले लिया है। अब इसके आगे का प्रोसेस बताएंगे आपको हम। चिकन को ठंडा करके हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, और इसमें डालने के लिए हमने वेजिटेबल कट कर लिया है। हम इसमें प्याज की पत्ती, शिमला मिर्ची डालेंगे, और बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। चावल हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इसका पानी निथार लेंगे हम। अब चावल हमारे एकदम अच्छे से दम हो गए हैं राइस के लिए। इसमें हमने पहले ही 2 चम्मच तेल डाला है, आपको दिखाना भूल गए हम। अब हम राइस बनाएंगे। तो राइस को बघार देने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल डाल के रखा है। 1 प्लेट राइस बनाएंगे सबसे पहले हम। ये 1 प्लेट चावल निकाले हमने भगोने में से। चावल हमारे एकदम अच्छे से पक चुके हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, एकदम गलाएंगे उसको। तेल में हम सबसे पहले हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे थोड़ा सा, तो अच्छे से पकने देंगे। अब इसमें हम थोड़ी प्याज डालेंगे, प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम वेजिटेबल डालेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल में। एक चम्मच शेजवान चटनी डालेंगे इसमें हम।
सब एक एक चम्मच हम सोया सॉस, रेड चिल्ली, ग्रीन चिल्ली डालेंगे, रेड चिल्ली डालेंगे एक चम्मच के हिसाब से, सोया सॉस डालेंगे ये डार्क सोया सॉस है, ग्रीन चिल्ली डालेंगे और एक चम्मच विनीगर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन को हमने ऐसे बारीक बारीक कर लिया है, इसमें से अब हम एक प्लेट के हिसाब से चिकन डालेंगे। नमक हम बहुत थोड़ा डालेंगे, नॉर्मल सा, क्योंकि हमने चावल में चिकन में नमक डाला हुआ है। अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, इसमें हम चावल डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छे से इसको ऊपर नीचे करके पकाते रहेंगे जब तक हमारे चावल एकदम अच्छे से मिक्स ना हो जाए मसाले। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से हमारे राइस बन के रेडी हो चुके हैं, मसाला बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, आप भी ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके अच्छे से कमेंट करें। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।